अस्सलाम वालेकुम। मैं हमारे मोहम्मद सादिक साहब जो वनपर्ती के हैं उनके साथ हूँ। आज से तकरीबन 5 साल पहले मोहम्मद सादिक साहब कोई लारी के टिप्पर पे काम कर रहे थे, तो अचानक इनके साथ एक हादसा हुआ कि वो लारी का टिप्पर जो है इनके आंग पे गिरने से इनके दोनों पैर जो है परमानेंट तौर पे अपाहिज हो गए और दर्द से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से तड़पते रहते हैं हमेशा। तो तकरीबन 1 साल पहले मेरे से इनका मुलाकात हुई थी। साल डेढ़ साल पहले मैं मेरे फेसबुक के ज़रिए लोगों से अपील किया था कि इनका इलाज करवाइए, क्योंकि डॉक्टर्स के मुताबिक जो है अब ये कभी अच्छे नहीं हो सकते, इनके कभी पैर वापस नहीं आ सकते। इनकी जो भी बची ज़िंदगी है वो बिस्तर पर रह के गुजारना है, लेकिन इनको जो है हर महीना 2 मरतबा वनपर्ती से हैदराबाद आना पड़ता है। तो हैदराबाद में यहाँ पर एक हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा है, जो इनके पेशाब की नाली है उसको पैकेट को चेंज करने के लिए। तो हर महीना इनको जो है 15,000 रुपये 2 मरतबा यानी 20 से 30,000 रुपये महीना इलाज के लिए होता है। तो ज़ईफ़ इनके वालदा है, वालदा भी इनका ख़र्चा नहीं उठाने की सूरत पे अपील किया था, तो कई लोग इनकी मदद किए। अब फिर ये आए हैं मेरे पास कि आप तमाम का शुक्रिया अदा करने के लिए जिन्होंने मदद किया, और मजीद इनकी अपील है कि और इनके साथ कुछ मदद किए तो ये अपना इलाज करवा सकते हैं। ये हमारे मेरे साथ उनकी वालदा है और हमारे मोहम्मद सादिक साहब है, आप खुद इनकी सुन सकते हैं। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद सादिक बात कर रहा हूँ। मैं जहाँ काम करने गए जगह मुझे एक ट्रेड की वजह से गफलत से मुझे हादसा हो गया, और क्या बोलो तो बहुत तकलीफ दर्द से 5 साल से बहुत तड़प रहा हूँ। अभी ये मुझे 6 साल चल रहा है मुझे, और मुझे कमरों से महसूस नहीं है, पर इम्प्रूवमेंट भी है, पर बहुत तकलीफ दर्द है। पेन ध्यान मेरे पैरों में दर्द के वजह से मैं एक सलामत होता हूँ बोले डॉक्टर, फिर भी मैं सब्र करे आ रहा हूँ, बर्दाश्त करे आ रहा हूँ, और महीने में कभी 1 मरतबे कभी 2 मरतबे ज़्यादा आके जाते रहता हूँ मैं। और खर्चा बोले तो बहुत ज़्यादा खर्चा आते रहता हूँ। अभी तो भैया बोले आपको तो आप लोग बेशक पैसों बात को आप लोग कुछ तो भी मुझे हेल्प करिए, क्योंकि आप लोगों से बहुत बहुत गुजारिश कर रहा हूँ मैं, और जो जो मदद करे सवालों का भी आप लोगों से बहुत बहुत शुक्रिया करूँ, और इलाज के वास्ते भी और फिर भी मदद मांगते रह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरे बच्चे की तकलीफ़ होने से मैं आप लोगों से मदद मांग रही हूँ, और उसकी तकलीफ़ में देखा जा रही है मेरे बहुत बर्दाश्त नहीं आ रही, और इलाज अच्छे बड़े दवाखाने में भी कराते बोल के बोल रहे हैं, अच्छी बात है कराना बोलते जब इलाज करने के वास्ते जा रहे हैं। बच्चे की बहुत खर्चा है, आप लोग कुछ मदद करें तो मेरे बच्चे की इलाज करा लूँगा, बहुत हालत आप लोगों से मदद मांगते हैं।